देखें, ये भी यूनिक क्वेश्चन है, मैंने लास्ट टाइम भी कराया आपको, एनसीईआरटी में नहीं है इस टाइप का। ये बोल रहा है फाइंड फोर टर्म ऑफ एपी हूज सम इज 20 एंड हूज स्क्वायर इज 120 या 120, ये ना। ऐसे एपी के चार टर्म जिनको जोड़े तो 20 और जिनके स्क्वायर करें उनको जोड़ दें तो 120, यही है ना। तो दिक्कत ये हो रही कि एपी के वो टर्म लेंगे कौन से, कुछ भी नहीं कि मैंने, और आपसे पूछा कि वो चार टर्म बताए, कुछ भी नहीं, ना ए ना डी ना एन, कुछ भी नहीं है, वहां एन दिया, चार तो दिया है, चार टर्म, ना ए ना डी, निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि एपी जो है स्टैंडर्ड एपी होती क्या है। स्टैंडर्ड मैंने आपको क्या लिखाई थी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, यही लिखाया था, डॉट 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 ए एन माइनस वन डी, इनके लिए वन डालेंगे टू डालेंगे। लेकिन अगर सिर्फ चार टर्म पूछे, अगर सिर्फ चार टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो आप उस एपी को लेंगे कैसे, ठीक है ना। मैंने वहां नहीं करा पाया, यहाँ आप देख लें। अगर बेटा थर्ड टर्म तीन टर्म बोलेगा, कितने, थ्री टर्म, अगर थ्री टर्म बोलेगा तो आप इसको लेंगे पहला ए, अगला लेंगे ए माइनस डी, अगला लेंगे ए प्लस डी। आप देखेंगे इन तीनों में डी का डिफरेंस आ रहा, सॉरी इनमें डी का डिफरेंस आ रहा, ये आगे और पीछे लिखना पड़ेगा, दिस ए माइनस डी, दिस ए, अब सही हो रहा है ना। आप देखेंगे डी का डिफरेंस आ रहा, ए प्लस डी माइनस ए इज ए डी, और दिस माइनस दिस इज ऑल्सो डी। कोई अगर कितने टर्म होती, अगर चार टर्म होंगे तो आप क्या लेंगे, जरा ये देखें, इसको लेंगे a माइनस डी, अगले को लेंगे a प्लस डी, अगले को लेंगे a प्लस थ्री डी, और इसको लेंगे a माइनस थ्री डी। अब जरा इसमें देखें, इसमें डिफरेंस कितना रहा, टू डी का, दिस इज टू डी, और दिस इज ऑल्सो टू डी, और दिस इज ऑल्सो टू डी, आ रहा है कि नहीं। सब में इसमें कॉमन डिफरेंस होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस होगा, जो इसमें होगा डी, किसमें कॉमन डिफरेंस, किसमें, अगर नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, और इसमें कितना होगा 2D। समझ में आया। अगर पांच टर्म होंगे तो पांच टर्म को ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और यहाँ पे ए माइनस डी और ए माइनस टू डी, जिस फाइव टर्म, इन सब में देखिए इसमें डी का डिफरेंस है ना। समझ में आया है कि नहीं, तो आप, आपको समझ में आ गया, तीन टर्म होंगे तो आप क्या लेंगे, चार टर्म होंगे तो क्या लेंगे, और पांच टर्म होंगे तो क्या लेंगे। अगर इवन है तो 2d के डिफरेंस से, अगर ऑड है तो d के डिफरेंस से, और ये टेबल आपको दिमाग में याद होना चाहिए, टेबल दिमाग में, अगर आप ये टेबल याद रहेगी तभी इस टाइप का क्वेश्चन कर पाएगा, वरना आप कुछ भी करता रहेगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। समझ आ गया, इधर देखो इस टेबल को छाप लेना अपने दिमाग में और कॉपी में भी। तो फोर टर्म, फोर टर्म मतलब कौन से टर्म, ए वाले कौन से टर्म होंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, दिस इज इक्वल टू, यही है ना। इसने इसको उड़ाया, इसने इसको उड़ाया, दिस इज इक्वल टू फोर, ए इक्वल टू 20, देन ए इक्वल टू 5 आ गया, और इन्हीं का स्क्वायर, इन्हीं का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे करेगा आप, ए माइनस थ्री डी का स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 120। दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से इसको एक्सपेंड करेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डी, यही ना। अगला ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए डी, यही होगा। अगला ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यही होता है डी स्क्वायर टू ए डी। अगला क्या, ए स्क्वायर नाइन डी स्क्वायर और सिक्स ए डी इक्वल टू 120, कोई दिक्कत, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल, सिक्स ए डी ने सिक्स ए डी को उड़ाया, टू ए डी ने टू ए डी को उड़ाया, बचे क्या ए ए ए, और कितने वाला है, चार बार, ये क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। अब देखें 9 10 11 और ए 9 कितना होगा 20 डी स्क्वायर इक्वल टू 120, कोई दिक्कत। अब आप ए की वैल्यू पुट कर दें, 4 ए स्क्वायर
9, 20, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, यही ना, ए का वैल्यू कितना होगा 5, अरे 25, यही ना बेटा, ये कितना हो जाएगा 100, तो ये 20, डी स्क्वायर 120, ये 100 इस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 20, और डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 20/20=1 एगा। अब जब ये रूट जाएगा यहाँ पे ये प्लस माइनस हो जाएगा ये 1, तो प्लस माइनस डी का वैल्यू 1 भी होगा और डी का वैल्यू अब ये माइनस 1 होगा या प्लस 1 होगा इसके बारे में हम सोचेंगे। क्या सोचेंगे यहाँ पे देखें, फाइंड 4 टर्म ऑफ ए पी, ये दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डी तो कोई दिक्कत नहीं, डी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो आप एपी अब जनरेट कर दें, ए आ गया डी आ गया, अब मैं इसको रब कर दूं बेटा इस वाले को और तू एपी जनरेट करके बता दे रहा हूं सिर्फ इस वाले से, ये दो खत्म, ठीक है ना, यही टर्म आ रहे थे आपके, कर दे रहा हूं, क्या टर्म आ रहे थे बेटा, ए माइनस डी ए प्लस 2d, यही आ रहा था, यही आ रहा था कि कुछ और, अरे ये लिए देखो ए माइनस डी लिए, ए आएगा बीच में, मैं ये ले दे रहा हूँ, ए माइनस 3d और क्या होगा, इसी ऑर्डर में आएंगे ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस, यही होंगे टर्म, ए का वैल्यू रख दें, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का 5, 5 तो 5 माइनस 3 ए इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू में 1 ले रहा हूँ पे, तो क्या हो जाएगा डी के लू, यही होगा 1 और 2 5 माइनस 1 ये हुआ, तो इससे क्या हो जाएगा 2, इससे 4, इससे 6 और इससे 2, 4, 6, 8, अब देखें ये भी बन रहा है कि नहीं, सब में कॉमन डिफरेंस क्या है 2 का, अब ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू -1, ये तो कॉमन है, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा ए इक्वल टू 5, 5, 3 -1 और 5 माइनस, यही होगा कुछ और, अगला 5, 3 -1, थोड़ा जगह मेरे को कम पड़ गया ना, 3 -1 यही होगा, ए इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा इसको, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी एपी है, बस एक डिक्रीजिंग एपी है और एक इंक्रीजिंग एपी है, इसमें डी 2 है और इसमें डी -2 है, खत्म, ये आपके आंसर, और यही है ना, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, ये 4 शुरू के 4 टर्म, तो दोनों आंसर आपके सही है, ठीक है, ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है 8, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज 33, 3 टर्म का समेशन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड एक बार दो बार हो गए एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 29, फाइंड एपी, यही बोला ना कि अगर प्रोडक्ट करते हैं पहले और तीसरे का और वो किस टर्म से एक्सीड हो जाएगा, टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 29, दिस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस 29 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यही है ना, और अब ये 3 टर्म लेने कौन से होंगे ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया उसमें बेस्ड था, पिछला क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ टर्म थे 4, इसमें मैंने 3, इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं पूछेगा, ज्यादातर मत टर्म इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो आपसे, अच्छा सम ऑफ फर्स्ट 3 अगर टर्म इसमें कुछ भी नहीं गिवन ना, नहीं Sn गिवन है, हां S3 इक्वल टू और कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं गिवन होता तो टर्म अपने जो स्टैंडर्ड टर्म होते हैं उनको आपको अज्यूम करना होता है ना, जो मैंने अभी माना 3 टर्म क्यों अज्यूम करना होता है, मैं ऐसी सिमेट्री लेता हूं कि वो dd कैंसिल हो जाता है और सिर्फ a बचता है, इसीलिए वो टर्म लेता हूं, इसलिए समझ में आया क्यों लेता हूं, अगर 3 टर्म होते हैं तो कौन से टर्म, यही लेते हैं a माइनस डी और a प्लस डी, अगर इन जो जोड़ दें इनको, जोड़ दिया ना, इससे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 3 है
दिस इज इक्वल टू 30 ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 33/11। इसमें आपको एसएन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्यों ना तो ए दिया ना एन दिया ना सॉरी ए दिया ना एन डी दिया बस एन गिवन है, तो ए इक्वल टू 11। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जल्दी से बोले सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, फर्स्ट थ्री पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म में होगा, इनका प्रोडक्ट कर दें a माइनस डी ए प्लस डी, दिस इज इक्वल टू एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 29। सेकेंड टर्म क्या a प्लस 29, एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 29, सेकेंड टर्म बाई 29 प्लस करना है, क्या करना प्लस, ये ध्यान से पढ़ना, इसका ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस a प्लस 29, ये का वैल्यू आ गया पुट a इक्वल टू पुट ना पुट कर दें इन ए स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 29, तो क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर डी स्क्वायर 11 प्लस 29 ये 1:1 डी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 40 को आप इस तरफ ले आए तो प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, और माइनस डी स्क्वायर को राइट साइड जाएंगे ले जाएंगे तो प्लस में, और इससे बनेगा 81 आएगा, इसको जब अंडर रूट करेगा तो प्लस माइनस क्या आ गया 81 प्लस माइनस 81। ये ध्यान रखना जब भी रूट आता था पहले प्लस माइनस बाद में रूट लगेगा, हाँ रूट के बाद नहीं आता, तो ये क्या होगा प्लस माइनस 9, तो डी का वैल्यू डी इक्वल टू 9 और डी इक्वल टू माइनस 9 ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन करेंगे तो पक्का डी 2 ही आएगा, आपको पहले से पता होना चाहिए। अब बेटा ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू 11, ए इज 11 और डी का वैल्यू 9, पुट करें इससे ए पी तो ए माइनस डी ए ए प्लस डी, जल्दी से पुट करें तो क्या होगा 11 माइनस 9 अगला 11 अगला 11 प्लस 9 ये ए पी क्या आ जाएगी इससे 2 11 20 यही आ रहा, और सेकंड ए की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू माइनस 9 यही ना, तो इससे ए पी क्या हो जाएगी ए माइनस डी ए प्लस डी, और इससे जल्दी से बोले ये क्या है 11 माइनस 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 प्लस जी, और ये 11 और ये क्या हो जाएगा ए प्लस जी, यही होगा ये 20 11 2, कोई दिक्कत सही दोनों ये दिस एंड दिस योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं खत्म, इससे ज्यादा वैरायटी आपसे नहीं पूछेगा जब टर्म मतलब होगा 3 4 5 और इंफॉर्मेशन ज्यादा कुछ नहीं देगा तब ठीक है, ना ए देगा ना डी देगा तब आप इसको लगाएंगे इस पेन देगा। देखिए बेटा इफ ये रिलेशन आपको गिवन है ए एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन ए एन बी एन इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपको एन फाइंड आउट करना है ठीक है ना। बट इसको करने से पहले कैसे करें सॉल्यूशन देखें बेटा, बहुत आसान है, ये अर्थमेटिक n के फॉर्म में दिए n प्लस 1 नीचे n और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और दो नंबर आप ऑलरेडी जानते हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर क्या होता है, दोनों का सम अपॉन 2 यही करते हैं, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा a प्लस b का, a प्लस b अपॉन 2 इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर a एंड b, यही होगा बिटवीन a एंड b नंबर यही होता है, दो नंबर का अर्थमेटिक दोनों को जोड़ अपॉन 2, ये ऑलरेडी वी नो अबाउट इट ना, वी नो दैट हम जानते हैं सब, और लिखे लिखा ये बस इससे कंपेयर करना कहानी को, और ये भी अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, क्यों और कुछ है ये भी अर्थमेटिक मीन है ए एंड बी, तो ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन This is equal to a plus b, क्योंकि ये भी arithmetic mean है और ये भी arithmetic mean है, दोनों को मैं क्या कर दूंगा equal कर दिया। अब देखें बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a n plus 1 b n plus 1 और बेटा ये सारा का इस तरह multiple हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a plus b और multiple में a n plus b n, कोई दिक्कत upon 2 नहीं है ना दिक्कत। अब देखें आप कैसे सॉल्व करेंगे, ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन मल्टीपल करें ए का, तो
तो क्या हो जाएगा, ए का मल्टीपल इसमें करेंगे तो ए एन प्लस वन हो जाएगा। पहले मल्टीपल करें फिर आप जरा देखें, इस टू को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, दिक्कत कर रहा है, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए ए है और ए बी है, बी ए और बी बी है, यही होगा। इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो, ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन, यही ना, इक्वल टू ये क्या, ए एन प्लस वन होगा। और अगला बेटा ये क्या हो जाएगा, ये तो दोनों टर्म सेम है मतलब अलग है, और बी एन प्लस वन कौन, ये इससे बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, दोनों का बेस सेम है तो पावर वन प्लस एन ऐड हो जाती है, पता है ना, इन दोनों का बेस सेम है तो ये इस वाले टर्म को लिया मैं पहले, ठीक। अब कौन बचा, ये दोनों, इसमें से क्या कॉमन, कॉमन अमन कुछ नहीं, ए बी की पावर है और बी ए की पावर है, यही है ना। अब कुछ लग रहा है कि इसमें से कॉमन, हाँ कि कुछ कॉमन ले सकता है क्या, ए एन बी एन कुछ है? नहीं लग रहा आपको, अच्छा छोड़ देना, ठीक है ना। अब आप क्या करें बेटा, कुछ आपको आइडिया लग रहा है, हाँ सर यहाँ भी ए एन दिखने लगा है यहाँ भी, लेकिन यहाँ कितने का मल्टीपल है, ये सब ये टू का मल्टीपल है ना, मैं जो मिस कर गया यहाँ पे, टू का मल्टीपल है, तो ये टू टाइम्स ए एन प्लस वन, टू टाइम्स बी एन प्लस वन, और दिस इज अ सिंगल टाइम्स, प्लस माइनस हो जाएगा, अरे प्लस माइनस हो जाएगा कि नहीं, हाँ तो ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो टू ए एन प्लस वन, टू बी एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन माइनस बी एन प्लस वन माइनस इक्वल टू ए बी की पावर एन बी ए की पावर एन, यही ना। इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन और क्या हो जाएगा, बी एन प्लस वन, ए एन प्लस वन और बी दिस माइनस दिस हो जाएगा और दिस माइनस दिस है कि नहीं, माइनस दिस सेम टर्म है, और दिस इज इक्वल टू ए बी की पावर एन और बी ए की पावर एन, यही लिखा। थोड़ा साफ लिख दे रहा हूं, जब इतना काम किया तो थोड़ा सा और काम सही, ठीक है ना। अब इसमें लेना बहुत अच्छे से, अब देखो क्या करेंगे, अब एक तरफ नीचे ले आए ऊपर ले आए, क्या करें कि इसका वैल्यू क्या आ जाए, ए प्लस बी अपॉन टू, क्या चाहिए, ए प्लस बी अपॉन टू, ये चाहिए टू ना, क्या और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। अब जरा दिमाग लगाए इसमें, क्या हो सकता है कि ए प्लस बी अपॉन टू आ जाए, क्या कॉमन लें, किस चीज से डिवाइड करें, बोले नहीं सर, बोथ साइड, बोथ साइड क्या कर दें इसमें, एक कर क्या कर दें बताओ, जल्दी बताएं क्या करें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर ए इंटू ए एन बी इंटू बी एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, आप थोड़ा सा क्लू मिल रहा होगा कि सर ए वाले टर्म एक साथ लिख लो और बी वाले टर्म, आप थोड़ा हौसला बढ़ा कि नहीं, हाँ बढ़ गया, अब बी नहीं कर पाएगा तो बहुत गलत है, क्या करेगा इसको, ए कॉमन और यहां से बी कॉमन ए माइनस हो गया ना, अच्छा ए एन बी एन यही होगा ना, कुछ माइनस प्लस कुछ इधर है क्या, योर साइड येलो माइनस ओ ये ए बी बी सही क्या है सब, हाँ सही है सब, क्योंकि सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं, ठीक है ना, ठीक है बेटा। अगर फिर मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा, कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी, लेकिन इससे मेरा कोई काम बना क्या, क्यों, मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को एन चाहिए, इसलिए इससे कोई काम, हाँ लेकिन मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो ये सही है, आपने सब कुछ सही किया, लेकिन आप इसको नहीं करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, अब ऐसा भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने ए ए को कॉमन लिया, अब मैं ए एन को भी तो कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या ए ए एन माइनस बी ए एन, इस वाले टर्म को ले आऊ इस तरह, और बेटा ए बी एन, और इस वाले टर्म को क्या ले आऊ बी एन, अब इससे कॉमन क्या आएगा, ए की पावर ए एन तो ए माइनस बी, और इससे कॉमन आएगा बी की पावर एन, तो बेटा इससे क्या बचेगा,
ए माइनस बी, अब ए बी ए बी तो ए एन इक्वल टू बी एन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू ए अपॉन बी इक्वल टू ए एन अपॉन बी एन लिख सकता है, दिस इज इक्वल टू वन, और इसको ऐसा भी लिख सकता है ए अपॉन बी की पावर एन इक्वल टू वन। किसी नंबर की पावर क्या हो कि आंसर हमेशा बनाते हैं, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो, किसी भी नंबर की पावर, तो हमेशा आंसर क्या आता है वन। तो एन इक्वल टू क्या हुआ, कोई नंबर जिसकी पावर जीरो होती है तो वो क्या आता है वन। हाँ, बट वो नंबर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए वन, लेस देन वन होगा तो क्या आ जाएगा वो। अरे ये सब छोड़ो, आप तो किसी नंबर की पावर जीरो होगा तो क्या आएगा वन, सो एन इक्वल टू जीरो। अब पता चला ये क्यों नहीं लिया था, इसलिए मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन सही है बट आपको एन का वैल्यू चाहिए था देना, ठीक है, इसलिए आपने ऐसा किया। और बेटा इससे भी ए प्लस बी आप रखोगे, ए बी की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा ए और बी, ये टू ए हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा तो ए आ जाएगा, यहाँ भी आप ए बी की वैल्यू रखोगे इससे भी टू आएगा एच टू, लेकिन आपको एन चाहिए तो आप इसको फॉलो करें, इसको आप भूल जाए। चलो ओके बेटा अगला क्वेश्चन देखें, बोल रहा है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज दिस 3n स्क्वायर बाय 2 प्लस 5n अपॉन 2 फाइंड 25th टर्म। मैं इस टाइप का क्वेश्चन कराया बट n के फॉर्म में नहीं कराया, बट n के फॉर्म में मैं यहां पे वैल्यू देता था, मैं यहां वैल्यू देता था और बोलता था 25th टर्म फाइंड आउट, लेकिन यहां वैल्यू नहीं है n के फॉर्म में, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। ये Sn है, this is a Sn, क्या है 3n square by 2 और 5n by 2, ये n Sn, और आपको क्या निकालना है 25 मिनट, कुछ भी नहीं पता, आप n के लिए 1 डालेंगे 2 डालेंगे तो S1, ठीक है बेटा, तो Sn आपको एक ही बने, तो आपको ये पता होगा कि consecutive sum का जो difference होता है वो किसके equal होता है number of term, क्योंकि ये समीशन गिवन है और आपको 25th टर्म चाहिए, यही चाहिए ना आपको, तो आप ये रिलेशन वी नो दैट Sn Sn माइनस 1 इक्वल टू t है, यही होता है। अब आपको क्या चाहिए, चाहिए आपको t 25 था, यही चाहिए था, तो n की वैल्यू क्या पुट कर दें, n की वैल्यू क्या कर दें 25 कर दिया, तो 25 माइनस 1 दैट t 25, ये क्या हो जाएगा s 25 s 24 is at t 25, कोई दिक्कत, s 25 s 24 बहुत इजी, कैसे आप इसमें सर इसमें n का वैल्यू 25 डाल दें क्यों, और n का वैल्यू तो क्या होता है s 25 इक्वल टू 3 25 स्क्वायर अपॉन 2 यही ना प्लस 5 25 by 2, तो इसको सॉल्व करेगा 3 625 upon 2 और 125 upon 2 यही होगा, दोनों को ऐड करेगा तो ये आएगा 18 175 125 upon 2 यही आएगा। अरे ये दोनों अब दोनों के एलसीएम सेम, मैंने 2 अपॉन कर दिया और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2000 upon 2 दिस इज 1000, कितना आया, अगर मैं S24 निकालूं, S24 जल्दी से पुट करें इस रिलेशन में T24 यही करेगा 524 अपॉन 3 बेटा 24 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा 24, जल्दी से करें जल्दी से करके बताएं 24 into 24 ये आएगा 5 6 5 7 6 फाइव से, इसका थ्री वे मल्टीपल करें बेटा जल्दी से जल्दी से करें मल्टीपल, बेटा एलसीएम दोनों का सेम है तो अपॉन थ्री होगा, जल्दी मल्टीपल करें थ्री का 1728 1728 और प्लस 120 करें, एक बार क्रॉस चेक भी करूंगा, हाँ दोनों को ऐड करें क्रॉस चेक भी मैं करूंगा क्योंकि हो सकता है कि आपने गलत है प्लस माइनस करना है आपको सर 1848 हो गया, ठीक है बेटा ये आ गया, तो इससे कितना आ रहा 18 8 4 4 8 अपॉन 3
और अब दोनों का डिफरेंस कर देंगे आ जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ थ्री नहीं है ना, शायद टू है। हाँ एक टू है, देखा एक टू है। बाई मिस्टेक मेरे से थ्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं निकाला था, लेकिन मेरे को पता लग गया था कुछ गलत होने वाला है यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 9 to 4, 9 to 4। और बेटा S25 कितना आया? 1000। पुट इन दिस रिलेशन 9 to 4, दिस इज इक्वल टू 225। इससे कितना आएगा? 76। दिस इज योर आंसर। T25th वाला टर्म कितना होगा? 7। और आपसे क्या पूछा? फाइंड 25th टर्म। खत्म, कोई दिक्कत नहीं। लिखे बेटा अगला क्वेश्चन देखे, बोला इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m, देन शो दैट m into n टर्म इज दिस। यही है क्या? समेशन ऑफ m into n। तो आप ऐसे लिख सकते हैं पहले इसको, mth टर्म ऑफ एन एपी इज mth टर्म, कैसे लिखेंगे? यही ना tm। और nth टर्म को क्या लिखेंगे? 1/m। और समेशन m into n क्या होगा? 1/2 mn plus 1, so that sum of m into n term is this। ये सूत्र आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो बस जो जानते हैं nth term कैसे लिखते हैं, यही होता है a n minus 1 d, यही ना। इसमें पुट करें mth term, n की जगह क्या? m, a n की जगह क्या? m minus 1 d, कोई दिक्कत। इसका वैल्यू क्या है? 1/n, यही है। और nth टर्म ये ऑलरेडी लिखी है, a n माइनस 1 d, और यहाँ पे क्या है? दिस इसका वैल्यू क्या? 1/n, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत बहुत आसान, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बहुत आसान। अब इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन, क्या मैं इसको रब कर दूं और इसको लिख दूं, दिस इज द mth टर्म और दिस इज द nth टर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, ये माइनस 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 उड़ा दिया, m माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d, 1/n 1/n, कोई दिक्कत? d कॉमन, m माइनस 1, ठीक है ना, और माइनस n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1/n 1/n, कोई दिक्कत। 1 ने 1 को, क्योंकि प्लस और माइनस था, इसका एलसीएम लेगा तो m माइनस n अपॉन m इनटू n, m और n को ने भी आपस को आपस में उड़ा दिया, तो d का वैल्यू 1/m इनटू n, कोई दिक्कत। d आ गया, अब समेशन के फॉर्मूले में जो आपको चाहिए सपोर्ट कर दें, क्या चाहिए? समेशन ऑफ n। समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Sn, मैं हर क्वेश्चन में आपको लिखा हूं कि एक बार आपको क्या हो जाए यार ना। और यहां n की जगह आप क्या डालेगा? mn डालेगा कि नहीं? ये 2, a की जगह क्या डालेगा? कुछ नहीं, अभी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले a निकाल लेते हैं। हाँ, put d equal to 1/mn in equation 1। इक्वेशन वन यही है, ए एम माइनस 1 डी, यही होगा, दिस इज इक्वल टू 1/n, तो ए, और बेटा इसको m अपॉन m इनटू n माइनस 1/n इक्वल टू 1/n, m ने n को उड़ा दिया, कोई दिक्कत, ए 1/n माइनस m n, दिस इज 1/n, इसने इसको आपस में, तो ए का वैल्यू भी क्या आया? सेम टू सेम डी, आप यहां पुट कर दें, क्या कर देंगे? 1/mn प्लस n की जगह mn माइनस 1, d की जगह क्या? यही पुट करेंगे, जल्दी से मल्टीपल कर दें, तो क्या हो जाएगा? 2mn, और बेटा इसका मल्टीपल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये किस स्टेप हो गया ना, ठीक है ना, ये 1 हो जाएगा कट के, और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो के क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एम एन, ये से माइनस हो जाएगा, प्लस 1, कोई दिक्कत। अब ये एम एन का मल्टीपल कर दो आप अंदर, तो क्या हो जाएगा? एम एन अपॉन 2 इनटू एम एन, और प्लस में एम एन अपॉन 2, एम एन ने एम एन को उड़ा दिया, और ये क्या आया? 1/2
एम एन बाई टू, कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन क्या निकलेगा, वन बाई, तो बचेगा वन प्लस, क्या मेरे को यही चाहिए था, आंसर आपके सामने, मेरी कहानी कर, कोई दिक्कत, बहुत ही आसान, आप ए और डी निकालें, इसमें एम और एन के फॉर्म में आएगा, पिछले क्वेश्चन में नंबर के फॉर्म में आता था वन टू थ्री को, और देन सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एन एंटर ऑफ एन ए पी इज एम स्क्वायर एन स्क्वायर, देन सो दैट रेशियो ऑफ दैट टर्म इज टू एम माइनस वन टू एन माइनस टू एन माइनस वन, जिसका समेशन है, किसका समेशन है, m और n, उसी का आपको क्या निकालना है, टर्म का रेशियो, उसी का समेशन का रेशियो आपके सामने है और टर्म का रेशियो आपको फाइंड आउट, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो समेशन का फॉर्मूला लिखें, पहले तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, यही है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, tm tn इक्वल टू, यही करना है, टारगेट आपका ये है, गिवन आपको ये है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैं बार बार इसको लिखूं, लिख दे रहा हूं, n by 2 2a n minus 1 और d, बेटा ना तो d दिया ना ये दिया, और करना ये है, तो ये होगा कैसे, यही है ना, यही है कि नहीं, ना ये दिया, क्यों, mth टर्म की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और टर्म क्या होता है, nth टर्म a n माइनस वन डी, अगर tm रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a m माइनस वन डी, और n रखेंगे तो a n माइनस वन डी, और तब आपको प्रूव करना है दिस, ये करना है, ना a दिया ना d दिया, a और d आ जाए, पुट कर दे सर आंसर आ जाएगा, a d कहां से आएगा, इससे, किससे आएगा, समझ आया, मेरे को चाहते a और d, और कहां से आएगा, यहां से, अब देखें कैसे आएगा, ये आपको देखना है कैसे आएगा, देखें बेटा जल्दी से, आप इसमें क्या पुट करें, इसको ऐसे छोड़ दें, कैसा, ऐसा, मतलब Sn, Sn देखें जल्दी से बेटा, m by 2 2a m minus 1 d लिख दिया अपॉन Sn n, यहाँ n की जगह m रखना था, यहाँ तो ऑलरेडी n है ही, m minus 1, हाँ रख दिया, this is equal to m square upon, कोई दिक्कत, अच्छा इससे एम ने एम कोड़ा दिया, एन ने इस टू ने, कोई दिक्कत, इतना तो आप जानते हैं, टू ने टू को, एम ने आने सामने से, तो क्या बचा, बहुत चीजें आसान हो गई, क्या बची, टू ए एम माइनस वन डी, यही ना, कोई दिक्कत, अपॉन टू ए एन माइनस वन डी इक्वल टू एम अपॉन एन, कोई दिक्कत, अगर ये टू नहीं होता तो काम बन जाता, ठीक है टू है, तो क्या करें हम बताएं, अब क्रॉस मल्टीपली बचा आपके पास ऑप्शन, कर सकते क्या और कुछ कर सकता है, आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं और कुछ नहीं है आपके पास करने को, तो ये क्या हो जाएगा टू ए एन और एम माइ एम एन माइनस एन डी, यही होगा बेटा, इस केस में टू ए एन और इसके एम एन और माइनस एन और डी की जगह डी, कोई दिक्कत, और यहाँ पे क्या 2 am और बेटा mn माइनस m इनटू d, यही हुआ, अब आप क्या करें d को एक तरफ बाकी को एक तरफ, कट जाए, हाँ इधर देखें, इधर देखें 2 an माइनस 2 am इक्वल टू m n माइनस m और d और माइनस ये इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस किसमें हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा, इसमें से 2a और क्या बचेगा n माइनस, इसमें से कॉमन क्या आ रहा, m माइनस, अभी बहुत कुछ आएगा, अच्छा d निकाल लो, d m माइनस n माइनस m और ये माइनस m और ये प्लस, इसने इसको बचा क्या 2m n माइनस m, इसको आप क्या लिख सकते हैं d n माइनस m, यही है ना आगे पीछे लिखा, इसने इसको D का वैल्यू क्या आया 2a D इक्वल टू 2a बस खत्म, अब D का वैल्यू 2a रख देंगे और ये कैंसिल और इसका आंसर ही आ जाएगा, पुट पुट D इक्वल टू 2a,
अब आप कोई बोलेगे नहीं सर एक ही वैल्यू क्या रखना है, एक कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, क्यों यहाँ ये, यहाँ ये कॉमन आएगा ऊपर नीचे से, ये गधों की तरह काम मत कर लेना कि सर अब ए भी मैं निकालूंगा, ऐसा मत करना ठीक है। तो ये ए एम माइनस वन डी की जगह टू ए, और बेटा ए एन माइनस वन दिस इज टू ए, और इसमें से कॉमन क्या आएगा बेटा, मैं टेक एल एच एस ले रहा हूँ, कुछ नहीं ये ले रहा हूँ, यही प्रूव करना है। अब क्या ले रहे हैं बेटा, ये कॉमन ले लेंगे ऊपर से और नीचे से, तो क्या आ गया ये कॉमन ले लेंगे जल्दी से बताएं, एम माइनस वन और ए वन प्लस एम माइनस वन इंटू टू, और टू का मल्टीपल भी कर देंगे ऐसी में, तो ए प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ए कॉमन ले लिया तो वन प्लस टू ए माइनस टू, और यहाँ क्या आ जाएगा ए वन प्लस टू एन माइनस टू, ए ने ए को उड़ा दिया और वन माइनस टू माइनस वन दिखने लगा आंसर कि नहीं बेटा, सेम है कुछ और है, सेम है। अगर ये वन माइनस टू माइनस वन, वन माइनस टू इज अ माइनस वन, हेंस प्रूव, कोई दिक्कत हेंस कहानी इज ओवर, कोई दिक्कत, बहुत ही आसान था। आप फर्स्ट पता कहां जाएंगे अगर आप ए के चक्कर में पड़ गए, ये आपको नॉलेज होना चाहिए सर, यहाँ ए आया डी ए के फॉर्म में आएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको पहले से लिख लेगा तभी आप दिमाग में बातें चल पाएंगे, और आप पहले से नहीं देखेगा तो आप नहीं ऐसा सोच पाएगा ठीक है बेटा। मैंने मतलब मैं सारा क्वेश्चन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता था मैंने लगभग लगभग वो किया, और ये 12 क्वेश्चन में हो सकता है आपको 3-4 क्वेश्चन आ जाए, ये 8-9 क्वेश्चन हमेशा आपके डाउट रहते हैं, और इससे आपके, और आप वेट करें अगली क्लास जब होगी तो जो आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर होंगे। ओके गुड बाय।